करना चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए, उनके लेवल में आना चाहिए, तो इस चीज में क्यों लेवल में नहीं उतरना चाहिए? इस चीज के लिए भी उनके मुकाबले हमने खड़ा रहना चाहिए और क्रिमिनल को सजा होनी चाहिए। पहले कहावत हम सुनते थे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यही वाला हाल है यहाँ पर इस हाउस में कि जो डरता है वो ये चीज को अगेंस्ट में बोलता है। मुझे लगता है डर के कारण ये सब चीजें बाहर निकल रही है, बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स, बिकॉज इन महुआ माई फ्रेंड शी स्पोक इन अ वेरी अग्रेसिव दिस थिंग, शी वॉज वेरी अगेंस्ट फॉर दिस बिल। पर मुझे लगता है अगर कुछ चीजें लोगों को न्याय देने के लिए ये देश में अगर काम करना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए, कुछ सख्ताई आनी चाहिए, तो हर नियम और कायदे में ये सख्ताई लानी बहुत जरूरी है, तब जाके क्राइम और क्रिमिनल्स हमारे देश में कम होंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो कुछ करेगा नहीं उसे कुछ डर नहीं, तो मुझे लगता है जो नहीं कर रहा वो ये सब चीजों में फेवर में बात कर रहे हैं, और जहां जहां डर है उनके शब्द ऑटोमेटिक निकल रहे हैं। सो मेनी अक्यूज्ड पर्सनली केम टू बी रिलीज ऑन बेल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल ऑफ कॉन्विक्ट। Convict was released on parole or furlough, were not tracked out, and they successfully flew away from the clutches of law by changing their visible appearance. They started to live life of another identificant and evade the penalty imposed upon them, evade the expected penalty which is expected to impose upon them. The present bill is advanced step to the legislative intent to decrease the workload of court and investigation agencies. The bill is opposed on the count that it is unconstitutional, as if it affects the right to privacy, but the right to privacy is altogether a different thing than the intent act of government. There is no reason to create hangama on this. Against this bill, because even previously if he is accused, is convict by the trial court, then the said accused was under obligation to give fingerprints before sending him to jail, and there was no choice with the accused to refuse the same. So now there is no justification to oppose the bill by saying that it contains force. The proposed bill is nothing but the advanced form of identification with availability of advanced technologies. Professor Sadhguru Rai, 3 minutes. Sir, हमारे फरगे जी बता रहे थे कि मोदी जी जो बाहर पब्लिक में बोलते हैं, राष्ट्रपति जी ने वही बात सदन में भी कही। मतलब ये सिद्ध हो गया कि सच बोलने वालों को बाहर दूसरा बोलना, अंदर अलग बोलना था नहीं। जो सच बोलता है वो बाहर भी वही बोलता है, अंदर भी वही बोलता है। तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बात को रजिस्टर किया कि हम सच बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग में भी सच बोलते हैं, जनसभा में भी सच बोलते हैं, लोकसभा में भी सच बोलते हैं, और प्रधानमंत्री भी सच बोलता है, राष्ट्रपति जी भी सच बोलते हैं। अब आपकी मुसीबत है कि सच सुनने की आदत भी चली गई है। आप इतना झूठ छूट चुके हो कि आपकी सच सुनने की आदत ही चली गई है। आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारी यहां एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। आप जरा बताइए, मुझे लगता है विचार करने की आवश्यकता है। देश में आपातकाल थोपा कांग्रेस ने, लेकिन कैसे इंस्टीट्यूशन मोदी बर्बाद कर रहा है। सेना को अपमानित किया कांग्रेस ने, कहते हैं मोदी बर्बाद कर रहा है। देश के सेना अध्यक्ष को गुंडा कहा, कहते हैं कि करने वाले कांग्रेस, कहते हैं मोदी इंस्टीट्यूट बर्बाद कर रहा है। कहानियां घड़ी जाती है तख्ता पलट करने की। और कितना बड़ा हिंदुस्तान की सेना की इज्जत को अपने
कितना बड़ा चेहरा दाव था। आपको मालूम नहीं है, आपने हफ्ते दो हफ्ते शायद अपनी राजनीति कर ली होगी, लेकिन ये जो आपने पाप किया है, मैं समझता हूं हमारी सेना के दिलों पर जो घाव लगा है, भारत की सेना तख्ता पलट करने का काम करे, ये आजादी के इतने सालों में अच्छे दिन आए हो, बुरे दिन आए हो, वीक प्रधानमंत्री रहे हो, वीक गवर्नमेंट रही हो।